हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम गाइस। मैं आज बात करने वाला हूँ जो लोग कहते हैं भाई आजाद वीजा में काम नहीं है कतर के अंदर, या जो जिन लोग के पास काम नहीं है भाई, जिन लोग के पास काम नहीं है और जो लोग नए सीरियल से कतर आ रहे हैं काम करने के लिए, खास करके नए वीजा पर आ रहे हैं या कोई अदर कोई भी कंट्री से, या पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, कहीं से भी आ रहे हैं, तो भाई नए सीरियल से यहाँ पर आ जाते हैं, फिर बोलते हैं भाई हमारे पास काम नहीं है, ना खाने खाने के लिए पैसा हमारे पास है, ना रूम का भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। क्योंकि यहाँ पर जो रूम का भाड़ा होता है भाई 300 से 400 से 500 रियाल तक होता है कतर के अंदर यहाँ पर। और अभी हम हैं इंडिया में, स्टेम और आज़ाद वीजा देते हैं लोगों को बाहर भेजते, तो हमें पता है किस तरीके से सेटिंग करना है और किस तरीके से लोग वहाँ जाएंगे, तो किस तरीके से वहाँ पर काम का और रूम का व्यवस्था करेंगे, किस तरीके से व्यवस्था करेंगे वहाँ पर, तो उनका काम किस तरीके से सेटिंग होगा और कैसे काम मिलेगा। और क्योंकि वीजे काम हम भी करते हैं और हम भी कतर में रह के आए हुए हैं, अभी हम रिटर्न फिर हमें जाना है कतर, क्योंकि यहाँ पर हमारी ऑफिस खुल चुकी है इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में। जो लोग जाना चाहते हैं भाई जा सकते हैं आज़ाद वीजा में, और काम उनके पास नहीं है वो लोग रो रहे काम को लेकर, खाने को लेकर, रूम के लेकर, जो लोग चला ऑफिस से वीजा लेकर चले गए हैं और उनके पास काम नहीं है, क्योंकि इंसान पैसा कमा लेता है, पैसा ले लेता है, उसके बाद यहाँ से भेज देते हैं, वहाँ कैसे आपको रहना है, कैसे इंतजाम करना है, कैसे काम ढूंढना है। जब आप पहली बार आज़ाद वीजा में जाते हो कतर, तो भाई वहाँ पर आपको काम कैसे मिल जाएगा, कम से कम 4 से 5 महीना आपका ख़राब हो जाएगा अगर आप नए हो तो। अगर कोई वहाँ संपर्क में कोई है, कोई दोस्त है, कोई आपका भाई है या कोई भी रिश्तेदार वहाँ पर है, तो भाई आपको काम वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। अगर वहाँ पर कोई भी संपर्क में नहीं है आपके, भाई यहाँ से जाओगे तो आपके पास कम से कम 3000 रियाल होना चाहिए खाना खाने के लिए, रूम के लिए, कि 2-3 महीना निकल जाए और काम ना मिले भी कोई हमें दिक्कत ना हो। अगर काम नहीं भी मिलता है 2-3 हज़ार रियाल आपके पास है, तो आराम से आपका 2-3 महीना निकल जाएगा और काम आराम से सेटिंग हो जाएगा आपका। और कतर के अंदर काम चालू हो चुका है, बहुत से जो हमारे आज़ाद वीजा वाले भाई थे उनके पास काम नहीं था, उनको भी काम मिल रहा है अभी, जो लोग नए थे उनको भी काम मिल रहा है, जो लोग पुराने हैं उनको भी काम मिल रहा है, नए वो लोग हैं जिनका 6-7 महीना 8 महीना हो चुका, उनका भी काम मिलना स्टार्ट हो चुका, क्योंकि वो अभी वो पुराने हो चुके हैं, उनको जानकारी हो चुकी है और किस तरीके काम मिलेगा, किस तरीके क्या करना है। पर जो नए जा रहे हैं 2-3 महीना हुआ है, 4 महीना हुआ है, भाई उनको अभी काम ढूंढने में टाइम लगेगा, कोई भी संपर्क में नहीं है, तो अगर कोई है वहाँ पर तो आराम से आपको काम मिल जाएगा। अगर हमारे जरिए जाते हो, हमसे लेके जाते हो वीजा, तो आपको 100% काम भी मिलेगा और दूसरी चीज़ आपको रूम भी मिलेगा, खाने की व्यवस्था किया जाएगा कम से कम 3 महीने के लिए। अगर आपके लिए सारी सेवाएँ हैं तो फिर भी हमसे वीजा लेके जा सकते हो। और अगर किसी से वीजा लेते हो, कोई ऑफिस से भी लेते हो या कहीं से भी लेते हो, तो काम का बात कर लेना, रूम की बात कर लेना भाई, तभी जाना। क्योंकि कतर के अंदर एक बार आपका काम बन गया और काम जम गया आपका, तो भाई पैसा वहाँ पर कतर में बहुत है, इतना पैसा है कि अगर आप काम करते रहोगे, आपकी जान पहचान हो गया, नंबर बढ़ गया, फ़ोन नंबर बढ़ गया सारी जगह पर, सारे कतरियों के पास, तो भाई आपको काम बराबर मिलता रहेगा। और जब तक ले नंबर आपका नहीं बढ़ता कतरी के पास, जब तक ले नंबर नहीं शेयर होता किसी के पास, तो आज़ाद वीजा में अगर हो तो भाई काम ढूंढना और करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप ढूंढ लेते हो, कर लेते हो, तो बहुत अच्छा है। अगर कोई संपर्क में है तो और बेहतर होगा आपके लिए, और इंशाल्लाह काम जम भी जाएगा अगर कोई संपर्क में है। अगर पुराने हो जाते हो, आपका नंबर बढ़ जाता है सारे कतरियों के पास, तो काम कमी आपके पास नहीं रहेगा। कोई भी काम करते हो, या इलेक्ट्रीशियन हो, एसी हो, या कलर पेंटर हो, या कोई भी हो, A to Z काम, अगर आपका नंबर शेयर हो जाता है, तो कतर के अंदर आज़ाद वीजा वालों के लिए काम की कमी नहीं है, काम बहुत सारा है। अभी काम स्टार्ट हो चुका है, फीफा वर्ल्ड कप की वजह से काम यहाँ पर बनता, जब से तले काम बनता बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि जितने फ्री वीजा वाले थे, कंपनी वाले थे, तो फीफा वर्ल्ड कप की वजह से इनको सिटी से निकाल कर बाहर गाँव एरिया में कर दिया गया था, तो वहाँ से लोग आते थे काम करने के लिए। जो आज़ाद वीजा वाले तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उनका सिटिंग था पहले से, रूम भी एक जगह पर था, जब गवर्नमेंट उनको रूम निकाल कर बाहर कर दिया है, तो भाई कैसे काम मिलेगा। अभी फिर से रिटर्न इसी जगह पर जो पुराने लोग थे, जो पुराने लोग थे जिनका रूम जहाँ पर था, वो लोग फिर से आके अपने रूम पर सेट हो चुके हैं, अपने सिटी में आकर सेट हो चुके हैं, फिर से उनका काम चालू हो चुका है। क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप की वजह से काफ़ी परेशानी आ गई थी कंपनी वालों को, जो आज़ाद वीजा वाले हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ गई थी, तो ये सारी चीज़ वहाँ पर दिक्कतें पड़ सकती है। अगर आप पुराने हो तो भाई अच्छा खासा इनकम कर सकते हो, अच्छी खासी कमाई कर सकते हो कतर के अंदर। तो ये रही छोटी सी जानकारी, अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।